नमस्कार आप देख रहे हैं बेस्तक मैं देवगन आज जब बाजार शुरू होने वाला था तो संकेत बेहद खराब अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में जबरदस्त बिकवाली की चपेट में आ गए थे और एशिया बाजार से कुछ अच्छे संकेत नहीं थे एसजेक्स बता बताया था नब्बे से तो गए शुरुआती सत्रों में और इनफैक्ट आज के सत्र की जो ओपनिंग हुई तो हमने देखा है गैप डाउन सत्रह के लेवल पे ओपन हुए और उसके बाद अट्ठारह तक का हाई तो लगा था लेकिन वो टिक नहीं पाया दिन के दौरान ऊपरी स्तरों पर फिर से मुनाफा वसूली आ गई सत्रह आज के दिन का लो लगा है जाते जाते थोड़ा रिकवर जरूर कर गए सत्रह के लेवल की क्लोजिंग हुई है लेकिन फिर भी आज सेंटिमेंट डैमेज था आज गिरावट थी इक्यानवे पॉइंट से गिरावट क्लोज टू क्लोज बेसिस पर दिखाई देगी आपको इंटरडे में इससे ज्यादा झूल रहा था बाजार और निफ्टी बैंक चार अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद सेंसेक्स 316 सौ सोलह अंक गवाकर हुआ है बंद एडवांस डिक्लाइंस मात्र 17 चढ़ पाए शेयर निफ्टी के 33 लाल निशान में बंद हुए हैं सपोर्ट कौन कर रहा था एल एन टी रिलायंस इंडस्ट्रीज अल्ट्राटेक और गिरावट कहां थी टीसीएस बैंक जैसे स्टॉक्स में लेकिन निफ्टी गेनर्स पे आप देखिए तो सबसे तेज था एल एन टी शुरुआती सत्र से तेज हो गया था सवा दो परसेंट के आसपास तेज हुआ अल्ट्राटेक लगभग दो परसेंट के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया बीपीसीएल हीरो हीरोप एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था जहां पर गिरावट थी वो था अदानी एंटरप्राइजेस जाते जाते सरेंडर हो गया और सब चार परसेंट टूटा है नेस्ले बैंक एसबीआई लाइफ एच लाइफ जैसे स्टॉक्स दो परसेंट से तीन परसेंट हल्के हो गए लेकिन एफ एन में आपको फिर से दिखेगा सीमेंट आज सीमेंट पैक का दबदबा था अगर सेक्टर देख देखते तो वो सीमेंट ही था जिसमें जेके सीमेंट श्री सीमेंट दोनों ही स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेज था तीन परसेंट चढ़ते हुए नजर आया अल्ट्राटेक खुद पौने दो परसेंट है इसके अलावा एल एन टी स्टॉक्स में भी आज एक्शन तेजी की ओर था जो गिरावट वाले सेक्टर थे उसमें आज फार्मा पाएंगे आप एफ लूजर्स में भी बायोकॉन सबसे ज्यादा पिटा चार परसेंट के आसपास इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस चार परसेंट हल्का हो गया एम जी एल एफ का लैब्स इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस साढ़े तीन परसेंट टूटते हुए नजर आए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो ट्रैक हो ही रहे हैं आज बाजार खुलते ही ट्रैक हो गए थे लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है सरकार ने सील बंद लिफाफे में जो कमेटी का गठन करना था उनके मेंबर्स के नाम सौंपे सुप्रीम कोर्ट को लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने बोला कि ऐसे ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी अब ये कमेटी का गठन हम करेंगे कहीं इस कमेटी पर सरकारी ठप्पा ना लग जाए इसके कारण ये कमेटी ट्रांसपेरेंट तरीके से बननी चाहिए और सीलबंद लिफाफे में कोई नाम चलेगा नहीं अब और अपडेट्स की देखते हैं कि क्या निकल के आता है लेकिन हाँ आज ये फैसला हुआ एंटरप्राइजेस पहले हल्का हो चुका था आज के सत्र में अदानी लगभग चार सवा चार परसेंट टूट आए अदानी पोर्ट्स फ्लैट परसेंट का अपर सर्किट अंबुजा दो परसेंट ऊपर एसीसी हल्का हुआ पॉइंट थ्री परसेंट के आसपास एनडीटीवी फाइव परसेंट अपर सर्किट लॉक्ट अदानी पार पांच परसेंट अपर सर्किट अदानी ग्रीन दो चढ़ा है ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस दोनों स्टॉक्स पांच पांच हल्के होते हुए नजर आए एक तो था सीमेंट जहां पर आज के सत्र में एक्शन तेजी की और था सेक्टर स्पेसिफिक जहां पर दबाव था उसमें था आईटी ये पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से चढ़ा था लेकिन आज के सत्र में फिसल गए आईटी स्टॉक्स आईटी में एलटीआईएम टीसीएस एचसीएल टेक एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज सर्विस इन्फोसिस एक दोसेंट फिसले हैं इसके अलावा बैंकिंग आज पीएसयू बैंक भी टूटे और निजी क्षेत्र के बैंक भी पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ इंडिया तीन परसेंट नीचे बंद हुआ है पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक एस बी आईओबी डेढ़ परसेंट से लगभग दो परसेंट के आसपास हल्के हो गए प्राइवेट बैंक्स में इंडस्ट बैंक सबसे ज्यादा प्रेशर में था तीन परसेंट नीचे बंद हुआ है इसके अलावा बंधन बैंक फेडरल बैंक सिटी यूनियन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दो परसेंट से लगभग तीन परसेंट टूटते हुए नजर आए रियलिटी स्टॉक्स का दिन खराब था जिसमें लोधा सबसे ज्यादा टूटा है चार परसेंट के आसपास इंडिया बोल्स रियल एस्टेट फीनिक्स लिमिटेड ओबर रियलिटी और डीएलएफ खस्ता हाल में थे दो से पौने चार परसेंट लुड़ते हुए नजर आए फार्मा स्टॉक्स में आज बायोकॉन की पिटाई हुई सवा चार परसेंट टूटा इपका लैब साढ़े तीन परसेंट टूटा ग्रैन्यूल्स लॉरस लैब्स ल्यूपिन ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में बायस नेगेटिव था जो चढ़े उसमें था सीमेंट और ऑयल एंड गैस सीमेंट में आज जेके सीमेंट श्री सीमेंट ढाई परसेंट पौने तीन परसेंट चढ़े हैं अंबुजा सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग दो परसेंट चढ़े रैमको सीमेंट और दालमा भारत में भी एक्शन तेजी की ओर था और ऑयल एंड गैस प्ले हुआ जिसमें जीएसपीएल साढ़े चार परसेंट उचला है इसके अलावा एजिस केमिकल बीपीसीएल एचपीसीएल आईओसी इन स्टॉक्स में एक्शन तेज था एक परसेंट से दो परसेंट का मूव और कैस्ट्रॉल में भी एक परसेंट का मूव बनता हुआ नजर आया मिड कैप स्टॉक्स कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में यह एक्शन था इसमें प्रेशर पॉइंट है मिटके आप में मिटके आप में तेजी ढूंढने जाओगे ना तो बहुत ही इक्कत तेजी बनती है लेकिन चलो जो चढ़े आज के सत्र में उसमें शिल्पा मेडिकेयर इस हफ्ते का आउट परफॉर्मर है वैसे आ, सवा चौदह परसेंट के आसपास चढ़ा है इसके अलावा टी सी एन एस ब्रांड्स आज लगभग तेरह परसेंट चढ़ा है ई के आई निश्चित से कुछ रिकवरी शो कर गया हाल फिलहाल में बहुत पिटाई हुई है दस परसेंट आज चढ़ा एलेकॉन नौ परसेंट चढ़ा है सुप्रिया लाइफ आठ परसेंट चढ़ा है इसके अलावा मिर्जा इंटरनेशनल पौने आठ परसेंट चढ़ा है सूर्य रोशनी एच ओईसी जैसे स्टॉक्स लगभग सात परसेंट चढ़े हैं वी आर एल लॉजिटिक्स और जबीएम ऑटो इन स्टॉक्स में भी पांच परसेंट के आसपास की तेजी देखने को मिली मिड कैप लूजर्स की सूची में सबसे पहले आया आयाटरेट पांच परसेंट पिटा इसके अलावा मिंडा कॉप और प्रिकोल यहां पर भी साढ़े चार परसेंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली दरअसल बात यह हुई कि मिंडा मिंडाकॉप ने प्रिकोल में फिफ्टीन पॉइंट सेवन परसेंट हिस्सा खरीदने की अनाउंसमेंट कर दी चार सौ करोड़ रुपए में लेकिन उसका प्रिकोल ने बोला भैया जान पूछ के खरीद रहे हैं हमने तो बोला नहीं तो उसके बाद तो जो पिटाई हुई है दोनों स्टॉक्स की आर एच आई एम लगभग सवा चार परसेंट टूटा है और तेजस नेटवर्क भी चार परसेंट हल्का हो गया इस पूरे हफ्ते में देखोगे तो मार्केट्स ठीक चल रहे थे जब तक तो 18,000 के लेवल के ऊपर से तब तो तक तो कॉन्फिडेंस हाई था लेकिन अगर आप पूरे हफ्ते की बात करो तो 0.5 परसेंट के आसपास के रिटर्न निफ्टी में दिखाई दिए हैं और निफ्टी बैंक एक परसेंट कमजोरी के साथ हुआ है बंद रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स वीकली गेनर्स में टेक महिंद्रा दिखाई देगा आपको निफ्टी में सबसे तेज चला है ग्यारह परसेंट इसके अलावा ओएनजीसी लगभग पौने सात परसेंट चढ़ा है यूपीएल छह परसेंट चढ़ा है अपोलो हॉस्पिटल साढ़े चार परसेंट चढ़ा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूबते बच गए इस बार बाजार साढ़े चार परसेंट इस हफ्ते का रिटर्न बैठा है निफ्टी वीकली लूजर्स में अदानी एंटरप्राइज लगभग पौने सात परसेंट टूटा एसबीआई चार परसेंट टूटा एच डी एफ सी लाइफ साढ़े तीन परसेंट टूटा एस बी आई लाइफ और एचुअल जैसे स्टॉक्स भी लगभग ढाई परसेंट से तीन परसेंट के आसपास हल्के होते हुए नजर आए अब आगे क्या होगा देखिए अगले हफ्ते सोमवार को अमेरिकन मार्केट्स तो बंद हैं तो अपने बलबूते चढ़ना पड़ेगा और दूसरा यह है कि फरवरी सीरीज की एक्सपायरी होनी है अगले हफ्ते गुरुवार को तो वो भी मार्केट uh, एक दायरे में रहेगा ऐसा लग रहा है अभी तो ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी ने क्लोजिंग हज़ार पर सत्रह हजार नौ सौ के लेवल को बचा रखा है लेकिन बचा पाएगा कि नहीं इस पर थोड़ा डाउट है हाँ सत्रह हजार नौ सौ के लेवल के नीचे थोड़ा बियर्स हावी होते हुए नजर आएंगे आज फिर से वही कॉल राइटिंग शुरू हो गई अठारह हजार अठारह हजार एक सौ के स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स फिर से जमकर बैठ गए ऊपर निफ्टी के लिए अठारह हजार एक सौ चौंतीस जो इस बार का स्विंग लगा है ऊपर इस तरह का उस वही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा बाजार में कॉन्फिडेंस की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है पता है नहीं कौन अभी लीडरशिप संभालेगा मिड कैप स्टॉक्स देखो निफ्टी तो अटका हुआ है अठारह हजार के आसपास सत्रह हजार नौ सौ के आसपास लेकिन मिड कैप में इतना डैमेज हुआ है इतना डैमेज हुआ है

फरवरी सीरीज़ की वायदा एक्सपायरी पर नजर है।